कस्बा सौंप में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अग्रसेन मार्ग हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जहां एक दर्जन मार्गों को प्रशासन द्वारा सील किया गया है। कस्बा सौंप में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा संक्रमित के घर से 250 मीटर का क्षेत्र हॉटस्पॉट कर दिया गया। प्रशासन के आदेश पर नगर पंचायत ने अग्रसेन मार्ग को दोनों ओर से सील कर दिया। इसके साथ ही मार्ग से जुड़े करीब एक दर्जन मार्गों को भी बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया। इस दौरान अग्रसेन मार्ग पर हॉटस्पॉट क्षेत्र की कार्यवाही 21 दिनों तक प्रभावित रहेगी और आने जाने वाले राहगीरों के लिए रूट बंद रहेगा। वहीं जरूरतमंद सामान की होम डिलीवरी की व्यवस्था नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। इसी को लेकर विगत दिनों सब्जी, किराना, दूध, दही आदि सामान के विक्रेताओं की सूची नगर पंचायत द्वारा तैयार कर ली गई है। सीओ गोवर्धन जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन के आदेश पर संक्रमित के क्षेत्र को हॉटस्पॉट की कार्यवाही की गई है। चेयरमैन भरत सिंह कुंतल ने बताया कि कस्बा में संक्रमित के घर से जुड़े करीब एक दर्जन मार्गों को सील किया गया है और हॉटस्पॉट क्षेत्र में होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है। चेयरमैन साहब, क्या हॉटस्पॉट को लेकर नगर पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो शासन के आदेश पर की जा रही हैं? कल हमारे यहाँ पर पहली बार एक कोरोना पॉजिटिव रोगी मिला है, जिसकी उम्र 15 साल की है और उसका घर अग्रसेन मार्ग पर पड़ता है। उसके हिसाब से जो प्रशासन का नियम है, 250 मीटर का एरिया हम उसे हॉटस्पॉट घोषित कर चुके हैं और उसमें 8 रास्ते आ रहे हैं, तो 8 रास्तों को पूरी तरह सील करवा रहे हैं जिससे वहाँ किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। हॉटस्पॉट का दायरा 250 मीटर का है, उन्हीं को जो है जो सड़क मार्ग भी जा रहे हैं उसके आसपास उन सबको सील किया जा रहा है। सर ये कितने दिन चलेगा? 21 दिन पूरा चलेगा। कितने दिन? 21 दिन पूरा चलेगा। हॉटस्पॉट का एरिया के अंदर ना कोई आएगा, अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। ये कस्बा सौंप जो राजस्थान सीमा से लगा हुआ है, पूरी राजस्थान के लोग आवागमन के लिए आ जाते हैं, इसके लिए क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, सौंप की जितनी भी सीमाएं उनको सील कर रहे हैं और राजस्थान से किसी भी प्रकार का आवागमन, चाहे वो वाहन से हो चाहे वो पैदल यात्री हो, उन सबको जो है बैन किया जाए। जो संक्रमित मिला है उसे लेकर कस्बा का कोई बाजार का खुलने का कोई टाइमिंग परिवर्तन हुआ या नहीं? अभी एसडीएम साहब से बात करके इस संबंध में चर्चा की जाएगी, बाजार कितनी देर खोला जाएगा।